यार, ये जो कक्षा साथ में मुर्गा बना होगा उसे तो बर्ड फ्लू नहीं होगा ना। अच्छा होता है जहाँ कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ संवाददाता चुन्नू चौरसिया रेडियो सिटी के लिए लाइव। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू की। साल 2021 की शुरुआत हुई है बर्ड फ्लू से और इसको लेकर लोगों में अलग अलग तरह की बातें हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा इससे खुश है सब्जी बेचने वाले, क्योंकि उनका कटहल बहुत ही अच्छा बिक रहा है। लोगों के बीच में ये आम धारणा है कि कटहल भी चिकन जैसा ही टेस्ट करता है। खैर, मैंने तो ना कभी चिकन खाया है और ना कभी कटहल, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन लोगों के मन में बर्ड फ्लू को लेकर इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि टीचर ने स्कूल में और घर में दोनों ही जगह मुर्गा बनाना बंद कर दिया है। इवन कल मुझे मेरे एक दोस्त का मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे चल रहा है। मैंने कहा सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। मैंने कहा बर्ड फ्लू के ज़माने में चिकन के साथ रोटी खा रहे हो? मैं ज़रा आकर देखना चाहता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उन्होंने मोबाइल पर चिकन की फ़ोटो रखी हुई थी और रोटी दाल के साथ खा रहे थे। मैंने कहा इसे कहते हैं आधुनिक ज़माने का भारत, देखेगा इंडिया तभी तो खाएगा इंडिया। खैर, फिलहाल मैं अभी यहाँ से चलता हूँ क्योंकि बर्ड फ्लू की बहुत बात कर ली है और आजू बाजू मेरे बहुत सारे बर्ड हैं जिनकी शायद आपको आवाज़ें भी आ रही हो। तो इससे पहले कि बर्ड फ्लू एक इंसान को हो जाए, मैं हूँ संवाददाता चुन्नू चौरसिया रेडियो सिटी के लिए लाइव। धन्यवाद यार, ये कोविड वाले ना बर्ड फ्लू की भी वैक्सीन बनाए, चिकन में लगाए तो लोग चिकन खाएं। चुन्नू चौरसिया के साथ चिपके रहने के लिए YouTube पर रेडियो सिटी इंडिया को सब्सक्राइब करें और Facebook के लिए रेडियो सिटी इंडिया का पेज लाइक करें। हीरो रेडी? यो, मैं हूँ हीरो। सही है, पहली लाइन के बाद कहाँ बोलना है पता है? एक बार और बताओ कि हीरो